दोस्तों, क्या आप इस फल के बारे में जानते हैं? वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे और खाए भी होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बताऊंगा कि अगर आप इस फल के महत्व के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस फल का महत्व जान लीजिए। दोस्तों, इसे जामुन कहते हैं। दोस्तों, जामुन हर किसी को खाना पसंद रहता है और दोस्तों इससे तरह तरह की बीमारियों का इलाज भी होता है। दोस्तों, बहुत ही गुड़ पाए जाते हैं जामुन में। लेकिन दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको जामुन के खाने के कुछ अद्भुत फायदे के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, फल हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं और दोस्तों मौसमी फल खाना सबको पसंद रहता है। दोस्तों, जामुन का सिरका बाज़ार में उपलब्ध भी रहता है। दोस्तों, बहुत से लोग जामुन के सिरके का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जामुन खरीद कर खाते हैं। दोस्तों, मैंने ये जामुन अपने पेड़ से तोड़ा हुआ है। आज मैं इसको खाने के कुछ बहुत अद्भुत फायदे के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, शुगर, डायबिटीज़ आजकल बहुत से लोगों को परेशान कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं पता होगा कि जामुन खाने से शुगर, डायबिटीज़ काफ़ी लेवल तक कम हो जाती है और अपने मानक स्थिति से ऊपर नहीं जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जामुन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि आपका डायबिटीज, शुगर हमेशा अपने लेवल में रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए, जामुन खाने से हमारे जो पेट का लीवर होता है दोस्तों, ये बहुत ही मजबूत होता है और हमारा खाना बहुत अच्छी तरह से हजम होता है। दोस्तों, जामुन में कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा दोस्तों, जामुन जो होता है शुगर, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए रामबाण सिद्ध होता है। दोस्तों, इनको हमेशा जामुन का सेवन करना चाहिए, डायबिटीज़ और शुगर के मरीजों को। तो दोस्तों, किस तरह से शुगर और डायबिटीज़ के मरीजों को जामुन खाना चाहिए, चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, सुबह खाली पेट आप जामुन का सेवन करिए। दोस्तों, अगर आपकी डायबिटीज़, शुगर बढ़ी हुई है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी डायबिटीज़, शुगर लेवल में आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, जामुन के सीज़न में आप जामुन खाइए। अगर जामुन का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको निकाल लेना है जामुन का बीज या जामुन की गुठली। दोस्तों, अभी आप इसको फोड़ेंगे तो इसमें अंदर में बीज या गुठली रहती है। दोस्तों, आप जामुन के बीज और जामुन की गुठली को निकाल लीजिए। दोस्तों, उसके बाद आप इसको धूप में सुखा लीजिए। धूप में सुखाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आप इसको तवे पर भून लीजिए दोस्तों, और इसके ऊपर का छिलका निकाल लीजिए। इसके ऊपर का छिलका निकालने के बाद दोस्तों, आप इसको पीस कूट पीस कर बारीक सा पाउडर बना लीजिए और सुबह खाली पेट एक चम्मच इसका इस्तेमाल करिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि 15-20 दिन के रेगुलर इस्तेमाल से आपके जो शुगर, डायबिटीज़ का लेवल बढ़ा हुआ था दोस्तों, धीरे धीरे स्थिर हो रहा है और कम हो रहा है। दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर करिएगा अगर आप शुगर और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं दोस्तों, और आप इंसुलिन का लगातार प्रयोग करते हैं और आपका शुगर हमेशा बढ़ा रहता है। दोस्तों, ये रही मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। आप देसी घरेलू ज्ञान के माध्यम से ऐसी जानकारी देख रहे हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि हमें इससे फ़ायदा होगा, तो आप इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर करिएगा ताकि आपका शुगर और डायबिटीज़ धीरे धीरे कम हो सके और आपको फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। मेरी आशा है कि आप लोग सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और आयुर्वेद को अपनाएं और ज़्यादा एलोपैथ पर डिपेंड न रहें। दोस्तों, आयुर्वेद में हर तरह के बीमारियों का इलाज होता है, बस आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल देसी घरेलू ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।